आज मैं आपको तटस्था वक्र की अर्थ और विशेषताओं के बारे में बताना चाह रही हूँ। आपको मालूम है कि तटस्था वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर एजवर्थ के द्वारा 1881 में किया गया था। तटस्था वक्र क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। आपको मालूम है कि प्रोफेसर मार्शल के द्वारा सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की अवधारणा गणनावाचक विश्लेषण पर आधारित थी, किंतु तटस्था वक्र विश्लेषण के अंतर्गत ये माना गया है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उपयोगिता व्यक्ति सापेक्ष, समय सापेक्ष और स्थान सापेक्ष है, इसलिए उन्होंने उपयोगिता को मापने के स्थान पर उपयोग उनको क्रम देना अधिक उचित समझा। अतः तटस्था वक्र विश्लेषण क्रमवाचक विश्लेषण पर आधारित है। तटस्था वक्र के विश्लेषण के विकास में हिक्स व एलन जैसे अर्थशास्त्रियों का भी योगदान रहा है। तटस्था वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। चूंकि इन विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए इन विभिन्न संयोगों के प्रति उपभोक्ता उदासीन या तटस्थ रहता है, इसलिए इसे उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र कैसे बनाते हैं, इस पर मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, हमने 6 नंबर पर दिखाया है कि 5 प्रकार के संयोग लिए हैं, कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी ई। ए संयोग में एक्स वस्तु की 1 इकाई है और वाई वस्तु की 60 इकाइयां हैं। बी संयोग में एक्स वस्तु की 1 इकाई बढ़ाकर 2 कर दी गई है, लेकिन वाई वस्तु की इकाइयां बढ़ाकर कम कर 54 कर दी गई है, 54 कर दी गई है। इसी भांति सी संयोग में एक्स वस्तु की 1 इकाई बढ़ाकर 3 कर दी गई है, जबकि वाई वस्तु की इकाइयां 49 है। आप लोग देख रहे हैं कि एक्स वस्तु की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, लेकिन वाई वस्तु की इकाइयां निरंतर कम होती जा रही है। चूंकि ए बी सी डी और ई इन सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है, इसलिए उपभोक्ता इन सभी संयोगों के प्रति उदासीन या तटस्थ है। हम ये नहीं बता सकते कितनी संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि उपयोगिता को तटस्था वक्र विश्लेषण के अनुसार मापा नहीं जा सकता। केवल उपभोक्ता ये बता सकता है कि उसे इन सब संयोगों से बराबर संतुष्टि मिल रही है। इसके साथ ही मैं एक और अवधारणा MRSXY अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन दर पर भी प्रकाश डालना चाहूंगी। आप लोग देख रहे हैं कि एक्स वस्तु की 1 अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के लिए उपभोक्ता वाई वस्तु की 6 इकाइयों को देने को तत्पर है, त्यागने को तत्पर है। इसका मतलब MRSXY 6:1 हो गया, मतलब 6XY वस्तु की इकाइयों के बदले एक्स वस्तु की 1 इकाई प्राप्त करना चाहता है। फिर आप आगे चलेंगे तो देखेंगे एक्स वस्तु की 1 अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता वाई वस्तु की 5 इकाइयां त्यागने को तत्पर है, अर्थात MRSXY 5:1 हो गया। MRSXY क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन दर। एक्स वस्तु की 1 अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता वाई वस्तु की जितनी इकाइयों को त्यागने को तत्पर है ताकि उसकी संतुष्टि यथावत या पूर्ववत रहे, तो उसे हम एक्स वस्तु की वाई वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। तालिका से स्पष्ट है कि एक्स वस्तु की 1 अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता उत्तरोत्तर वाई वस्तु की घटती हुई इकाइयों का प्रतिस्थापन कर रहा है, त्यागने को तैयार है। क्यों? क्योंकि एक्स वस्तु की इकाइयां निरंतर बढ़ने से उसकी उपयोगिता उपभोक्ता के लिए कम होती जा रही है, जबकि वाई वस्तु की इकाइयों में कमी होने की वजह से वाई वस्तु की उपयोगिता उसके लिए बढ़ती जा रही है। तो हमने रेखाचित्र के द्वारा इंडिफरेंस कर्व को प्रदर्शित किया है। एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की इकाई को दिखाया जा रहा है और वाई एक्सिस पर वाई वस्तु की इकाइयों को दिखाया जा रहा है। इसमें 4 कॉम्बिनेशंस ए बी सी और डी दिखाए गए हैं। ए कॉम्बिनेशन पर 60
इकाइयां वाई वस्तु की है और एक इकाई एक्स वस्तु की है। इसी भांति बी कॉम्बिनेशन पर 54 इकाइयां वाई वस्तु की है और एक्स वस्तु की 2 इकाइयां हैं। तो इन चारों कॉम्बिनेशंस को हमने दिखाकर एक वक्र के रूप में इनको मिला दिया है तो हमें आईसी वक्र प्राप्त हुआ है। इसके शेप से स्पष्ट है कि आईसी वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इस तटस्था वक्र की मान्यताएं क्या है? पहली मान्यता है कि उपभोक्ता को पूरी जानकारी होती है कि कौन सी वस्तुएं कैसे उपलब्ध हैं, किस भाव पर उपलब्ध है और उनसे उसको कितने कितनी उपयोगिताएं प्राप्त हो सकती है, गणनावाचक में नहीं क्रमवाचक में। दूसरी चीज, उपभोक्ता विभिन्न वस्तु समूहों की परस्पर तुलना कर सकता है कि कौन सा वस्तु समूह से उसको अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी और कौन सी वस्तु समूह से कम उपयोगिता प्राप्त होगी या कौन से वस्तु समूह से उसको बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी। थर्ड मान्यता है अधिमानों या पसंद में परस्पर संगति। इसका मतलब यह है कि यदि उपभोक्ता को ए वस्तु बी वस्तु की अपेक्षा अधिक पसंद है और बी वस्तु सी वस्तु की अपेक्षा अधिक पसंद है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि उपभोक्ता को ए वस्तु सी वस्तु की अपेक्षा अधिक पसंद है। उन दोनों में किसी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए कि कभी तो वो ए पसंद कर ले और कभी बी को प्राथमिकता दे दे। चौथी मान्यता है अधिक इकाइयों वाले समूह को कम इकाई वाले समूह की अपेक्षा प्राथमिकता, अर्थात मोर इज बेटर। उपभोक्ता हमेशा वस्तु की कम इकाइयों की अपेक्षा वस्तु की अधिक इकाइयों को पसंद करता है या उनको प्राथमिकता देता है क्योंकि उनको हमेशा अधिक इकाइयों से कम इकाइयों की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये चार मान्यताएं हैं तटस्था वक्र की। पहली, उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी होती है बाजार की, बाजार दशाओं की, वस्तुओं की, इन सब की। दूसरी, विभिन्न वस्तु समूह की परस्पर वो तुलना कर सकता है कि कौन से वस्तु समूह से उसे कैसे कैसे उपयोगिता प्राप्त होगी। तीसरी, परस्पर संगति होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का उसकी च्वाइसेस में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और चौथी, मैंने बताया मोर इज बेटर, हमेशा वो अधिक को कम की अपेक्षा प्राथमिकता या पसंद करता है। अब हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं तटस्था वक्रों के लक्षण या विशेषताएं, कि तटस्था वक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है तटस्था वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि उपभोक्ता एक्स वस्तु की एक इकाई को बढ़ाता है तो उसे वाई वस्तु की इकाई में कमी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि तटस्था वक्र के विभिन्न बिंदुओं से प्राप्त संतुष्टि बराबर है, समान है। तो यदि वो एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाएगा तो उसकी संतुष्टि बढ़ जाएगी। उस बढ़ी हुई संतुष्टि को कम करने के लिए आवश्यक है कि वो वाई वस्तु की मात्रा में कमी करे। ऐसा संभव नहीं है कि वो एक्स वस्तु की मात्रा भी बढ़ा दे और वाई वस्तु की मात्रा भी बढ़ा दे। ऐसी स्थिति में तटस्था वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होगा, लेकिन उसके अंतर्गत उसको सभी बिंदुओं से समान संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो तटस्था वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसी प्रकार से वो हॉरिजॉन्टल अर्थात एक्स अक्ष के समानांतर भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंतर्गत वाई वस्तु की मात्रा स्थिर है लेकिन एक्स वस्तु की इकाइयां निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की संतुष्टि अगले बिंदुओं पर बढ़ती चली जाएगी। और इसी भांति तटस्था वक्र वर्टिकल अर्थात लंबवत या वाई अक्ष के समानांतर भी नहीं हो सकता। वाई अक्ष के समानांतर होने का मतलब है कि एक्स वस्तु की मात्रा स्थिर है और उत्तरोत्तर वाई वस्तु की इकाइयां बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में निरंतर ऊपर बढ़ते हुए उसकी संतुष्टि भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए तटस्था वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। दूसरी जो तटस्था वक्र की विशेषता है वो है मूल बिंदु के प्रति उनत्तोदर। तटस्था वक्र हमेशा मूल बिंदु के प्रति उनत्तोदर अर्थात कॉन्वेक्स होता है। इसका अभिप्राय है कि तटस्था वक्र के बिंदु पर हर बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रतिस्थापन दर क्या होती है, कि एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता वाई वस्तु की कितनी इकाइयों को त्यागने को तत्पर है ताकि उसकी संतुष्टि यथावत या पूर्ववत रहे। तो इसके अंतर्गत जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो घटती भी डिक्रीजिंग होती है। इसका कारण यह है
जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एक्स वस्तु की इकाई बढ़ने पर एक्स वस्तु का महत्व उपभोक्ता के लिए कम होता जाता है, जबकि वाई वस्तु की इकाइयां निरंतर कम होने पर वाई वस्तु का महत्व उसके लिए या उपयोगिता उसके लिए बढ़ जाती है। अतः निरंतर या उत्तरोत्तर एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता वाई वस्तु की घटती हुई इकाइयों को त्यागने को तत्पर होगा, जैसा कि तालिका में भी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। तो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उनत्व दर होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है तटस्थता वक्र की, वो यह है कि दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। उपरोक्त डायग्राम में स्पष्ट है कि हमने फर्स्ट और सेकंड दो प्रकार के इंडिफरेंस कर्व बताए हैं। फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व पर हमारे समक्ष दो बिंदु हैं सी और बी। चूंकि ये दोनों कॉम्बिनेशंस एक ही तटस्थता वक्र पर अवस्थित है, इसका मतलब उपभोक्ता बी और सी संयोगों के प्रति उदासीन या तटस्थ है। दूसरा तटस्थता वक्र हमारे समक्ष है जिस पर दो विभिन्न संयोग ए और सी है। चूंकि ये दोनों कॉम्बिनेशंस या संयोग भी एक ही तटस्थता वक्र पर अवस्थित है, इसका अभिप्राय यह है कि उपभोक्ता ए और सी इन दोनों संयोगों के प्रति उदासीन या तटस्थ है। मैंने आपको परस्पर संगति की एक मान्यता तटस्थता वक्र की बताई थी, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि उपभोक्ता यदि ए और सी के मध्य उदासीन है, दूसरी तरफ बी और सी के प्रति उदासीन है, तो इसका अभिप्राय है कि उपभोक्ता ए और बी के प्रति भी उदासीन होगा, लेकिन ये संभव नहीं है। आप लोग डायग्राम में स्पष्ट देख रहे हैं कि ए और बी दोनों बिंदुओं पर एक्स वस्तु की मात्रा तो बराबर है, लेकिन ए बिंदु पर बी बिंदु की अपेक्षा वाई वस्तु की इकाइयां अधिक है। तो हमारी मान्यता है मोर इज